आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी शराबबंदी के अभियान में एक के बाद एक तारीखें देने के उपरांत अब इसे लेकर एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मेरा फोकस मध्य प्रदेश में शराबबंदी है। इस सिलसिले में बीते दिवस उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सक्रिय हो गई हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे बैरसिया के पास गुंगा गई थी। जनार्दन ने पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के रेक्टिफिकेशन के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से करने के निर्देश दिए। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले और बाड़ों में रखे गए शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना की गई, जिसमें 1652 वन्य प्राणी पाए गए। संचालक वन विहार H.C. गुप्ता ने बताया कि इस साल 24, 25 और 26 फरवरी को की गई गणना में स्वतंत्र विचरण करने वाले 1516 वन्य प्राणी पाए गए। इनमें 522 चीतल, 362 सांभर, 81 नील गाय, 90 जंगली सुअर, 257 मोर, 51 सियार, 60 लंगूर, 71 काले हिरण, 3 चौसिंगा, 3 सेही, 11 बारासिंगा, 3 जंगली बिल्ली और 1 चिंकारा एवं पेगोलिन शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च को श्योपुर जिले की कराहल तहसील में दोपहर 12:30 बजे पीएम आवास योजना में सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम में लगभग 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 138 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद के हालातों पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घर घर चलो अभियान के तहत ये पार्टी अब घर ही बैठ गई है। आगे उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के घर घर चलो अभियान को कांग्रेस अच्छी तरह स्वीकार कर 5 राज्यों में घर बैठ गई है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी घर बैठ जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को कांग्रेस ने विधानसभा का साउंड सिस्टम खराब होने का मुद्दा उठाया। इसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। संभवतः यह पहला मौका था जब साउंड सिस्टम पर किसी दल द्वारा वॉकआउट किया गया हो। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधानसभा में साउंड सिस्टम खराब होने पर सचिवालय पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा इसमें गड़बड़ी की गई है। एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि जब हम बोलते हैं तो माइक बंद रहता है, जब संसदीय कार्य मंत्री बोलते हैं तो माइक तुरंत चालू हो जाता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि मैंने कोई नई बटन चालू नहीं की है, जो आप बटन चालू छोड़ गए थे वही दबी है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉक आउट कर दिया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में
शुक्रवार 11 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। इंदौर के समीप बांक में नायता मुस्लिम समाज की पंचायत ने अनूठा फैसला लिया है। यहां के एक बदमाश के खिलाफ समाज की पंचायत बैठी। इसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बदमाश और उसके परिवार को ना तो किसी कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और ना ही कोई उनके यहाँ कार्यक्रम में जाएगा। अगर वह दिखता है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। दरअसल बदमाश ने यहाँ रहने वाले एक व्यापारी की दुकान में आग लगा दी थी। घर पर भी आग लगाने की कोशिश की थी। बदमाश दुकानदार से रुपयों की डिमांड कर रहा था। इसके बाद समाज के सभी लोग एकजुट हो गए हैं। ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के शुभारंभ के दौरान गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह ने ड्रोन उड़ाया। जब उनका ड्रोन 60 फीट की ऊंचाई पर था तो अनियंत्रित होने लगा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम के अनियंत्रित ड्रोन को उसी अंदाज में थाम लिया। जैसे सत्ता से बेदखल होने पर बीजेपी में आकर शिवराज को फिर से सीएम बनवाया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन उड़ा रहे सीएम के हाथ के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों से ऑपरेट किया। साथ ही आसमान में लड़खड़ा रहे ड्रोन को सुरक्षित नीचे उतारा। इसका वीडियो वायरल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस अंदाज में सीएम की मदद करना सियासी गलियारों में चर्चा बना हुआ है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सीएम की मदद करते नजर आए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 12 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।